तो इसी तरह हम भी अपना महल गिरवाते रहते हैं, जैसे कि मानो कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उस वक्त मन और बुद्धि पे इतना फोर्स नहीं पड़ता है। हम अपने हाथ चला रहे हैं, ठीक है, ड्राइविंग कर रहे हैं, हमें गाड़ी ड्राइव करने का संस्कार है, चल रही है गाड़ी। ऐसे में क्या करते हैं हम, ये तो भूल जाते हैं कि हमारे पास एक सीढ़ी है और इस जीनी को हमें उस सीढ़ी पे चढ़ाना उतारना है। हम इसे क्या करते हैं, कोई भी काम सौंप देते हैं। जैसे मानिए कि जब वो राजा के पास आया जीनी, कहा मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजा घबरा के ये बोल देता, भैया मेरे पास कोई काम नहीं है, तो एक काम कर, मेरा महल गिरा दे। वो तो महल भी गिरा देता, राइट? वो तो ऑर्डर पे कार्य करता है ना। इन द सेम वे हम अपने मन को जो भी ऑर्डर देते रहते हैं, ऑर्डर कैसे, जो भी विजुअलाइज करके इसे दिखाते रहते हैं। जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे राजा उसे ऑर्डर दे रहा था तो बोल के दे रहा था, यहाँ इस मन रूपी जीनी को ऑर्डर कैसे जाता है, विजुअलाइजेशन से। जैसा विजुअलाइज करते हैं ये समझते हैं, हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उसी को बढ़ाता रहता है वो। जैसे मानिए आप बैठे हैं तो कोई काम नहीं है करने को, आपने पास्ट की बात उठा ली जिसमें हर्ट क्रिएट हो रहा है, आप सोचे जा रहे हैं उसने मुझे तब ऐसा बोला था, सबके सामने इंसल्ट की थी, मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं उसे ये बोल नहीं पाया था, मुझे बोलना चाहिए था। और मूड इतना ऑफ हो जाता है कि विजुअलाइजेशन में देखते हैं कि मैं उसे पीट रहा हूँ, मार रहा हूँ, या वो मुझे पीट रहा है, सब कुछ देखते रहते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली। ये है अपने ही जिनी से अपना महल गिरवाना, राइट? और इसे सीढ़ी पे कैसे चढ़ाना है कि चल मेरे मन अभी परम धाम, अपने पिता के पास, राइट? छोटा अभ्यास करते हैं, एक मिनट, देखें अपने मन को एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक पंछी के रूप में देखें। हे मेरे मन पंछी, चल उड़, चल परम धाम की ओर, देखें उसे ऊपर जाते हुए। आपका मन पंछी ऊपर जा रहा है आकाश की ओर, अपने घर परम धाम। देखें लाल सुनहरा प्रकाश, हम आत्माओं का घर है ये, जहां परमात्मा पिता हजारों सूर्यों से भी तेज चमक रहे हैं। उनकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। देखिए अपने मन को एक स्टार के रूप में उन किरणों के नीचे बैठा हुआ। परमात्मा पिता जो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, ज्ञान के भंडार हैं, सर्वशक्तियों की किरणें मेरे मन में समा रही हैं। मेरा मन भरपूर हो रहा है। और ये भरपूर मन वापस मेरे मस्तक पे आ बैठता है। देखिए बैटरी चार्ज हो गई, राइट? ऐसे हम छोटे छोटे अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, राइट? इस मन को कार्य देते रहिए वरना ये आपको खाता रहेगा। तो इस तरह से ये काम हमें कर लेने चाहिए, राइट? दूसरा, कभी भी गलती से अपशब्द यूज़ ना करें, कभी भी अपशब्द ना बोलें। जैसे किसी के लिए बोल देते हैं ये तो बेकार है, पागल है ये। एक्चुअल हम किसी और को नहीं बोलते हैं, हम स्वयं को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मन उसे पहले सुनता है। आप किसी को कह के देखिए आप पागल हैं, देखिए क्षणिक अगर आप डीप चेकिंग करेंगे तो आप पाएंगे हल्के से इस चीज़ को आप विजुअलाइज भी कर जाते हैं कि पागल व्यक्ति कैसा होता है। जब विजुअलाइज करते हैं तो सबसे पहले इस विजुअलाइजेशन को कौन देखता है, सबसे करीब कौन है, आपका मन वही देखता है। जिसके मन ने उस विजन को पहले देखा वो प्रतिक्रिया उस पर शुरू कर देता है। हम किसी और को जब कहते हैं ना आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेकार हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप पागल हैं, इन द सेंस हम खुद को ही बोल रहे हैं। इसलिए कहते हैं गड्ढा किसी और के लिए खोदा उसमें खुद ही
गिरे। तो इसलिए अपनी वाणी पर भी विशेष ध्यान देना है कि हम किसी को कोई भी शब्द ऐसा ना बोलें जो कि डिवाइन ना हो, सात्विक ना हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने बोल इतने मीठे रखें कि जिन्हें कोई सुने तो उन्हें सुकून प्राप्त हो, राइट। उन्हें वरदान दें, तुम वरदानी मूर्त आत्माएं हो, वरदाता भगवान के बच्चे हो। तो जब भी किसी को बोले बहुत मीठे बोल बोलें। तो देखिए, और ध्यान रहे एक बात, जब किसी को कुछ भी बोलें उसमें एक भी नेगेटिव शब्द ना यूज़ किया गया हो, जितना हो सके बचें। जैसे कि मानो अभी हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये उदाहरण देने के लिए हमें एक दो शब्द भी यूज़ करने पड़े, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि हमारी बुद्धि उसे विजुअलाइज ना करे, क्योंकि विजुअलाइजेशन के बाद मन कार्य करना शुरू कर देता है, राइट। तो बोले ही ना, बोलने की क्या ज़रूरत है हमें, उनसे बचिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बुद्धि विजुअलाइज करती है। याद रहे, भारत में चैंटिंग टेक्निक है। संत महात्मा एक शब्द को लेके बार बार रिपीट करते हैं, हाई एनर्जी वर्ड चूज करते हैं, लो एनर्जी नहीं, ये लो एनर्जी जो अभी बोले थे, और हाई एनर्जी जैसे ओम, ये हाई एनर्जी वर्ड हैं, इन्हें बार बार रिपीट करते हैं तो सिद्धि प्राप्त होती है। वैसे लो एनर्जी वर्ड रिपीट करने पर भी सिद्धि प्राप्त होती है। कुछ लोगों को देखना आसपास ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ करेंगे, वो उनका वो डेली रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं, वो कई बार दिन में उन्हें रिपीट करते हैं। जैसे कि एक भाई थे, वो छोटी छोटी बात पे बोलना मोटी बुद्धि। अब होता क्या है, जब ये शब्द आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपकी बुद्धि से विजुअलाइज करती है कि जो ये शब्द बोला गया ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, और सबसे पहले रिएक्शन उसी व्यक्ति पर ही होता है जो इसे बोल रहा है। अनडाउटेडली जो व्यक्ति जो शब्द ज़्यादा बोलता है ना, गौर कीजिएगा, आप पाएंगे वो उसका स्वरूप बना हुआ है, ये सत्य है, आप गौर करना, ठीक। तो इसलिए शब्दों को बहुत ध्यान से चुनें, वरदानी बोल बोलें और कमाल देखें, आपको सिद्धि मिल जाएगी उनमें। आप किसी को भी कहें आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े प्यारे हैं, आप बड़े शांत हैं, आप इस शब्द को मंत्र बना लीजिए, किसी को बोलिए बड़े शांत हैं आप, चाहे वो कैसा भी हो बड़े शांत हैं। जब हम ये बोल सकते हैं किसी को भी छोटी छोटी बात पे, भाई आपकी बुद्धि मोटी है, तो ये भी तो बोल सकते हैं ना, भैया बड़े प्यारे हैं, बड़े शांत हैं, आपकी बुद्धि बड़ी डिवाइन है। आप ये वरदान चुन लीजिए, आपकी बुद्धि बड़ी डिवाइन है, चाहे कोई कुछ भी करे, आपकी बुद्धि बड़ी डिवाइन है। आप देखेंगे आपकी बुद्धि इतनी डिवाइन हो जाएगी, कमाल होगा। और जिसे आपने बोला, मानो उसने गलत भी किया कुछ, आपने बोला आपकी बुद्धि बड़ी डिवाइन है, तो देखिए आपने उसे अपलिफ्ट कर दिया तुरंत, और वो थोड़ा सा बेहतर तो करेगा ही, राइट। तो इस तरह अपने शब्दों का भी सही चुनाव करें, ठीक है।